हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फोन पे चलाते हैं और ऐसे में अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि पेमेंट फेल्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो पेमेंट है वो आपका यहाँ पर विफल होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम कब आती है और इस प्रॉब्लम को आखिर हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, पैसे हैं वो हम किस तरीके से भेज सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम है वो आती कब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना जो फ़ोन पे है मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और ये प्रॉब्लम मुझे कल यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पर मैंने क्या किया था और इसी के साथ में जो ट्रांजेक्शन था मैंने कब किया था और किस तरीके से किया था, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर चलिए बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी जो फ़ोन पे की एप्लीकेशन है मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर अपना फ़ोन पे है मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर फिंगर अटैच कर दिए हैं क्योंकि मेरा फिंगर पासवर्ड है। तो यहाँ पर ये था कि आपकी जो पेमेंट है आपने जो भी आपकी बैंक की तरफ से लिमिट है, ठीक है, या फिर आपने नेट बैंकिंग के थ्रू आपने अपनी लिमिट सेट कर रखी है, ठीक है। तो अगर आपने उतने पैसे यहाँ पर भेज दिए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अकाउंट पे एक लिमिट सेट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम नेट बैंकिंग चलाते हैं या फिर बैंक की तरफ से लिमिट सेट हुई भी होती है, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि हम उतने ही पैसे निकाल सकते हैं। अब ऐसे में अगर हमें अधिक पैसे निकालना है या तो हमें 24 घंटे तक वहाँ पर इंतज़ार करना होगा या फिर 24 घंटे के बाद वो आपकी जो रीसेट हो जाएंगे और आप फिर उतने ही पैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में अब ऐसे में बात आ जाती है कि अगर हमें इमरजेंसी है, ठीक है, तो हम किस तरीके से अपने खाते से किसी दूसरे के खाते में पैसे को भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ जैसे कि छोटा सा। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर अभी 1 रुपये या फिर 5,000 या फिर 500 या फिर 100 रुपये यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 रुपये अभी ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ, अकाउंट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पर पे पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, ठीक है। पे पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाता है अपना UPI पिन एंटर करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना UPI जो पिन है मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर यस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं जो ट्रांजेक्शन है यानी कि मेरा हो रहा है, ठीक है। पर अगर आपका इस तरीके से आ रहा है तो इसका आपके पास दो ही तरीके हैं। सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो इंटरनेट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर सही से काम नहीं करता है तब भी, जो कि इंटरनेट नहीं चल पाता है तब भी हमारा जो पेमेंट है वो विफल हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप ये देखिएगा कि जो आपके खाते में जो पैसे हैं वो पूरे हैं कि नहीं है, ठीक है, यानी कि जितने आप भेज रहे हैं उतने पैसे हैं कि नहीं है। अगर पैसे ना हुए तब भी आपका विफल हो जाएगा। इसी के साथ में अब आप किस तरीके से पैसे को भेज सकते हैं, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तब, और इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने जो लिमिट है वो यहाँ पर सेट कर रखी है तो उस लिमिट को आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के लिए आप, अगर आपका खाता SBI में है तो आप SBI की नेट बैंकिंग को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपका खाता PNB में है तो आप PNB में भी आप अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो कि आप एप्लीकेशन के ही द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपको पैसा अर्जेंट भेजना है तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं। इसी के साथ में आप ATM कार्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा भी आप यहाँ पर पैसे को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो UPI की लिमिट होती है वो यहाँ पर एक फिक्स होती है और आपने उतना पैसा यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर दिया है तो आपके सामने फिर यही दो ऑप्शन बचते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के भी माध्यम से आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम है वो 24 घंटे बाद हट जाएगी। आपको लग रहा है कि जो हमारी लिमिट है वो कम है तो आप अपने ब्रांच जाएंगे, ब्रांच जाकर और आप वहाँ पर बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं और अपनी लिमिट वहाँ पर बढ़वा सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो सकती है और पैसे को आप यहाँ पर इस तरीके से भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे जो पैसे हैं वो जाने लगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर
कस्टमर केयर से भी बात की थी, उन्होंने यही बताया था कि जितनी हमारी तरफ से लिमिट है फोन पे की, ठीक है, वो है 2 लाख रुपए, ठीक है। इसी के साथ में 2 लाख रुपए भेजने की जो लिमिट है वो आपको आपका बैंक खाता देता है कि नहीं देता है, ये बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर बात भी की अपनी ब्रांच जाकर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो लिमिट है मैंने यहाँ पर बढ़वा दी, ठीक है, कुछ पैसों की, ठीक है, वो पर्सनल है तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। तो आप अपनी ब्रांच जाकर भी इस लिमिट को बढ़वा सकते हैं, पर अगर आपको इमरजेंसी है पैसे भेजने के लिए तो आप UPI या फिर अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं और पैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो उसको लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।